गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन और स्वागत वी आर मीटिंग आफ्टर लास्ट सैटरडे और पिछले शनिवार के बाद आज एक बार फिर इस सुबह हम एक दूसरे के सामने हैं सो बिफोर वी फेस द वर्ल्ड ऑन दिस ब्रांड न्यू डे और इससे पहले कि हम संसार का सामना करें एक और इस नए दिन में लेट अस कंसंट्रेट

उसके सुनने के अनुसार उन्हें करें वी हैव थ्री डेज ऑफ मेडिटेशन और तीन दिनों का मनन हर हफ्ते हमारा होता है ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे और मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार एंड आई वुड लाइक टू यूज ऑल दीज थ्री डेज मेडिटेटिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट और इस हफ्ते के इन तीनों दिनों को मैं लूंगा कि मैं एक ही विषय पर मनन को हम And करेंगे सब्जेक्ट इज फेथ द अटैक और इस मनन इन तीनों दिनों का मनन इस हफ्ते मेरा इसका जो शीर्षक है वो है विश्वास शैतान का लक्ष्य है हमारे विश्वास पर आक्रमण करना और हमारा जो वचन जिसे हमने लिया गया है वो है वो समाचार उसका बाईसवा अध्याय इकतीसवे वचन से Here, Jesus Christ, the Lord इज स्पीकिंग टू साइमन पीटर और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिमोन पत्र से बात कर रहा है दिस before Jesus was arrested. और ये तब हुआ उसके जब यीशु को गिरफ्तार किया ही जाना था साइमन even वेरी बोल्डली desert you एंड लीव I will not. I will come with you, follow you, and I am ready to die. Give my life. और शमान पत्रस ने बड़े हियाव के साथ को इस बात की घोषणा करी कि प्रभु यीशु मसीह यदि सब तुझे छोड़ दे मैं फिर भी तुझे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा और अपने जीवन को भी तेरे लिए त्यागने के लिए तैयार हूँ In response to this tall claim, this is what Jesus said. और इसके इस घोषणा के प्रति जो पत्रस ने किया इसके प्रति यीशु ने ये कहा. Simon, Simon, Satan.

फेथ इन हेम और क्यों ऐसा है कि शैतान जब कभी किसी विश्वासी के ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो उसके आक्रमण का लक्ष्य विश्वास होता है सेट एन हेट्स ऑल गुड गए और अच्छे और भले व्यक्तियों से घृणा करता है समाइम और कुछ समय ऐसे it, भी होते हैं he will meet them. और वो शैतान उन लोगों से मिलेगा ऑन their वे

और शैतान का उद्देश्य तो ये है कि उन्हें भटकाए उन्हें उन्हें निराश कर दे उन्हें भौचक्का बना दे सो दैट दे विल फेल देयर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ताकि वो किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के अनुसार या उसकी आज्ञा मानने में असफल हो जाएं। एंड व्हेन सेटन असेल्स असेल्स देम एंड पाउंस अपॉन अ चाइल्ड ऑफ गॉड और जब शैतान ने एक किस परमेश्वर के बच्चे के ऊपर अपने नियंत्रण को ले लिया और उसे हरा दिया है हिज मेन अटैक इज अपॉन तब उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो है विश्वासी के विश्वास के ऊपर आक्रमण करना ड्यूरिंग दिस वीक और इस हफ्ते में हम इन तीनों मनन का जो उद्देश्य है वो ये है डेवल फेथ इन यू वो कारण वो ये देखना होगा कि क्यों शैतान आपके विश्वास पर आक्रमण करता है एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज और हमें भौचक का नहीं हो रहना है देयरफॉर वी शुड बी अलर्ट ऑल द टाइम और इसलिए हर समय हमें सावधान बने रहना है रीसेंट देयर आर अबाउट सिक्स रीजन आई वुड लाइक टू मेडिटेट एंड लेट यू नो ड्यूरिंग दिस वीक और इस पूरे हफ्ते में छह ऐसे कारण हैं कि क्यों शैतान एक विश्वासी के विश्वास को आक्रमण का लक्ष्य बनाता है उन छह कारणों के ऊपर इस हफ्ते हम मनन करेंगे रीजन नंबर वन पहला कारण फेथ इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट इन द क्रिस्टियन लाइफ और याद रखिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है एक मसीही जीवन में लॉर्ड से और परमेश्वर का वचन बताता है We are engrafted into Christ by faith. कि हम प्रभु मसीह में जोड़ दिए गए हैं विश्वास के द्वारा what इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन यू एंड क्राइस्ट और प्रभु येशु मसीह के बीच और आपके बीच में मिल, मेल जोल का वो स्थान कौन कहाँ से है फेथ वो विश्वास से है And how does a just man live? और कैसे एक न्याय व्यक्ति जीता है By faith. विश्वास के द्वारा Take faith away. और अगर हम विश्वास को अलग कर दें You have torn the heart away from the good man. तब आपने उस अच्छे या भले व्यक्ति के हृदय को निकाल दिया है एंड नोज और शैतान जानता है इफ ही कैन डिस्ट्रॉय योर फेथ कि अगर वो आपके विश्वास का नाश कर दे एंड डिस्ट्रॉय एंड टेक योर फेथ अवे फ्रॉम यू और आपको नाश कर दे आपके विश्वास को आपसे दूर करने के द्वारा ही सक्सीड्स इन डिस्ट्रॉइंग यू तब वो सफल हो जाएगा आपका पूर्ण रीति से नाश करने में डिस्ट्रॉय द वेरी लाइफ of a follower of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के अनुयाई के जीवन का नाश करना ही उसका लक्ष्य है। uh, And he succeed in completely making you useless. और वो इस बारे में सफल भी हो जाएगा अगर वो आपके विश्वास को आपसे अलग कर दे और आपको पूर्ण रीति से नाश कर दे। Consider the very life of a Christian. और एक मसीही जीवन के बारे में आप सोचें। it is all by faith यह तो पूरा विश्वास के द्वारा ही है and the bible says declares तो, और वचन इस बात की घोषणा करता without है without faith it is impossible to please god कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है he will not be pleased with anyone who does not have a faith कि वो किसी से भी प्रसन्न नहीं होगा कि जिस ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसके पास विश्वास माई हियर इज द इंस्ट्रक्शन और इसलिए मेरे मित्रों यहाँ पर एक निर्देश हमारे लिए है वॉच आउट फॉर योर फेथ क्या आप अपने विश्वास को लेकर के ध्यान पूर्वक बने रहे Pro अपने विश्वास की रक्षा अपने जीवन को दे करके भी करेंड रीजन और दूसरा कारण शैतान एक मसीह के विश्वास को आक्रमण करता है बिकॉज इज दीफ ऑफ ऑलर ग्रेसिस लेकिन क्योंकि याद रखिये विश्वास ही सारे दूसरे अनुग्रहों में मुख्य है विश्वास के द्वारा फेथ इज दीडर ऑफ दस इन द डे ऑफ बैटल और याद रखिए विश्वास ही वो अगवा है हमारे सारे दूसरे अनुग्रहों का जो हमें हमारी लड़ाइयों में प्राप्त होते है और इसलिए शैतान कहता है टू होम टू हिस्सम सोल्जर्स

प्लीज तो, रीड और अगर आप गंभीर हैं कि आप शैतान की चाल को समझना चाहते हैं तो कृपया इस वचन को जरूर Kings, 22, 31। पहला राजा बाईसवा अध्याय इकतीसवा वचन और अगर विश्वास को मार दिया जाए Where is love? तब प्रेम कहां पर है Where is hope? कहां पर आशा है वेरी मन फिराना कहा गया is patience? और कहां पर है वो धीरज ऑल दीज graces.

टू नो लिए आप बृहस्पतिवार के मनन को जरूर देखें you शुरुआत आप करते हैं रिमेम्बर यू एस अ चाइल्ड ऑफ गॉड लिव बाई फेथ आप परमेश्वर के बेटे या बेटी होते हुए विश्वास के द्वारा जीवित and it is a faith that strengthens you and give you confidence to face your unknown फ्यूचर और ये विश्वास ही है जो आपको ये आज्ञा और ये साहस देता है कि आप उस भविष्य का सामना कर सके जिसको आप जानते या देख नहीं सकते और मेरे मित्रों परमेश्वर आपको आशीष दे एज यू सेट आउट दिस वर्ल्ड टूडे जैसे कि आप इस संसार में निकलते हैं रिमम्बर याद रखें There are two forces after you। दो ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पीछे लगी हुई फोर्सेस ऑफल और जो दुष्ट या बुराई की जो शक्ति है himself, जिसको नियुक्त और जिनका मार्गदर्शन करता है शैतान जो चाहते हैं Jesus कि आपका विश्वास और आपके समर्पण को प्रभु यीशु मसीह में नष्ट कर दिया प्रेज फॉर यू लेकिन एक परमेश्वर प्रभु पित, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर एक ऐसा बैठा है जो निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंट और इसलिए आपको हारने की आवश्यकता नहीं बिकॉज your Lord एंड Savior Jesus इज is interceding ऑन योर behalf। क्योंकि आपका प्रभु आपका परमेश्वर प्रभु यीशु शुमसी आपके लिए ही आपके साथ उस मध्यस्थता की प्रार्थना को विध और इस भरोसे के साथ फेस योर फ्यूचर आप अपने भविष्य का सामना करें. Be bold और ही आपके साथ रहे आगे की बातों को हम नहीं जानते. एज यू फेस यूस लेकिन जैसे आप उनका सामना remember करते हैं. याद आपके साथ कौन खड़ा है the Lord himself stands by your side. और परमेश्वर खुद आपके संग खड़ा है सो वॉच आउट और इसलिए सावधान बने रहे प्रोटेक्ट यूर फेथ अपने विश्वास को बचाए रखें Lord, I thank you for those who are listening to me. They this. all are living in this world. And we know that, uh, that uh, the, uh, in spite of the fact that we belong to you, the devil is always trying his best. टू रिमूव अस फ्रॉम योर फेवर और जबकि हम तुझ में बने हुए हैं शैतान हर समय यही चाहता है कि वो किसी तरीके से हमें तुझे तेरे अनुग्रह से अलग कर दे Your people need your grace और इसलिए तेरे लोगों को तेरे अनुग्रह की आवश्यकता need है. your presence आपकी आप उपस्थिति की आवश्यकता need you है.